अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ऑल्टिमिस प्रोग्राम के जरिए चंद्रमा पर 2030 तक बेस बनाना चाहती है। इसके अलावा मंगल ग्रह पर भी इंसानों को बसाने की तैयारी चल रही है। ऐसे में वहां रहने के दौरान ईंधन की ज़रूरत भी पड़ेगी। अभी तक स्पेस मिशन के लिए ईंधन धरती से ही लेकर जाया जाता है, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूल सेल्स के तैयार होने के बाद इसका इस्तेमाल स्पेस के पेट्रोल के तौर पर किया जा सकता है। इससे इंसानों को स्पेस में बसने में भी बड़ी मदद मिलेगी। कुछ महीनों में होगा फ्यूल पर टेस्ट। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक बांगोर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साइमन मिडलबर्ग ने कहा कि उनका काम चुनौतीपूर्ण था, मगर ये कभी मज़ेदार रहा। बांगोर की टीम को लेकर बात करते हुए प्रोफेसर मिडलबर्ग ने कहा कि वह न्यूक्लियर फ्यूल का अगले कुछ महीनों में टेस्ट करेंगे। चंद्रमा पर तापमान -248 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है, ऐसे में वहां पर इंसानों को बसाना मुश्किल है। इस फ्यूल के जरिए गर्मी पैदा कर इंसानों के रहने लायक वातावरण तैयार किया जा सकता है। आओ अब बात करते हैं कि कैसे काम करेगा ये ईंधन। मांगोर यूनिवर्सिटी ऊर्जा के अन्य स्रोत इस्तेमाल करने के लिए खोज कर रही है। ट्राइसो फ्यूल के तौर पर जाने जाने वाले न्यूक्लियर फ्यूल सेल को टेस्टिंग के लिए भेजा गया। रोल्स रॉयल ने माइक्रो न्यूक्लियर जनरेटर को तैयार किया है। इसके ईंधन के तौर पर ट्राइसो फ्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रोफेसर मिडलबर्ग ने बताया कि माइक्रो जनरेटर एक पोर्टेबल डिवाइस जैसा है। इसका आकार एक छोटे कार की तरह है। इसे रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है। प्रोफेसर ने बताया कि जनरेटर और ट्राइसो फ्यूल की टेस्टिंग की जाएगी ताकि चंद्रमा के बेस पर इसका इस्तेमाल किया जा सके। चंद्रमा पर पानी मौजूद होने के सबूत हैं, ऐसे में इसे अंतरिक्ष में इंसानों का बेस बनाया जा सकता है, लेकिन माइनस में तापमान होने की वजह से यहाँ बेस को गर्म रखना चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में माइक्रो जनरेटर के जरिए ऊर्जा पैदा की जाएगी जो न सिर्फ बेस को गर्म रखेगा बल्कि उसकी ऊर्जा के स्रोत के तौर पर भी काम करेगा। मंगल तक का सफ़र होगा आसान। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मंगलयान के बारे में, और मंगल तक का सफ़र होगा आसान। नासा समेत सभी स्पेस एजेंसियाँ चंद्रमा पर बेस बनाकर मंगल तक जाने के लिए प्लान काम कर रही हैं। धरती से मंगल तक का सफ़र काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, मगर चंद्रमा के जरिए इस सफ़र को आसानी से पूरा किया जा सकता है। हालांकि ऐसा करने के लिए चंद्रमा पर इंसानों का बेस होना ज़रूरी है। माइक्रो जनरेटर चंद्रमा पर बेस बनाने में मदद करेगा। एक बार यहां बेस बन जाएगा तो मंगल ग्रह समेत अंतरिक्ष के अलग अलग हिस्सों में आसानी से सफ़र पूरा किया जा सकेगा। दोस्तों नासा और इसरो का इस तरीके की सोच और मंगल यानी ग्रह टू ग्रह आने जाने की जो रणनीति है, वो उनके मेहनत के बदौलत ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में हम ग्रहों का भी सैर कर सकेंगे। दोस्तों नासा व इसरो के लिए एक लाइक ज़रूर दें वीडियो को। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को शेयर ज़रूर करें।